हेलो डियर एसपेरेंट्स, आज मैं तुम लोगों लॉजिकल रिजनिंग पांच क्वेश्चन सॉल्व करूँ। सो तुम लोग वीडियो भल लगे काइंडलि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिबा और जो एने वीडियो लगे डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो बोला विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चनबूर चाँव और वन बाय वन एटे सॉल्व करूँ। सो आज फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन बेस्ड। ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड है और तुम लोग लास्ट पिने मैं डायरेक्शन की आज ये ऊल लगे। क्वेश्चन की कैसे मोहन वॉक 4 किलोमीटर्स टुवर्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट। सो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है तुम लोग अलवेज मन रखा जो एक्जेक्ट पजिशन मानने प्रथम मानुजन कौन आसे सीट तुम लोग नजाना तो तुम लोग अलवेज धर ला मानुजन की आज नर्थ फेसिंग आसे। सो धर ला यू मानु तो है और तहत की फेस कर ऊपर पिने फेस कर दैट इज सरी नर्थ फेस कर। ठीक है, तो इतना नर्थ फेस कर मोहन वॉक 4 किलोमीटर्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट अर्थात पूर्वर पिने कि गोले यार पूरा 4 किलोमीटर गोले। ठीक है, 4 किलोमीटर गोले नाउ तार पास कि देन ही टर्न देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स यार पास कि मोहन राइट टर्न लोले तो इतना मोहन मोहन एखिनित पजिशन ये आर राइट कौन साइड हम यू साइड हम राइट। सो मोहने कि 3 किलोमीटर गोले राइट साइड। तार पास कि अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर्स। सो एतिया मोहनर राइट पजिशन कौन हम ऑफ कोर्स मोहनर राइट पजिशन कौन हम ये पिने हम मोहनर राइट पजिशन। ठीक है, तो राइट टर्न मारिके कि किलोमीटर गोले आके आको तुम लोग 4 किलोमीटर गोले। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस ही टर्न बैक एतिया मोहने कि आको टर्न बैक करिले बैक माने घूरी गोले टर्न बैक माने कि एतिया जदि सुआ एतिया मोहने वेस्ट फेस करि आसे नहय इटु तो वेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन है राइट और दिस इज एटु कि है मोहनर तुम्हार मूर टू है तो मोहनर मूर एतिया कोन टू डायरेक्शन आसे वेस्ट डायरेक्शन आसे जदि एतिया मोहन घूरी जाए तेंते मोहनर डायरेक्शन टू कि होय जाबो जदि एतिया मोहन घूरी जाए तेंते मोहनर डायरेक्शन टू आको कि होबो दैट इज ईस्टर पिने होय जाबो नहय बिकज 4 किलोमीटर जो पीछे मोहने कि कर आफ्टर दिस ही टर्न बैक घूरी गोले नए तो घूरा तर मूर तो इतना कौन आसे दैट इज ईस्ट डायरेक्शन आसे। सो यार करेक्ट आंसर की हो जाए तुम लोगों ऑप्शन 4 बुझी पासा जीतु टर्न बैक मारे मानने घूरी गोले वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन घूरी गोले सीट कारण इतना तर फेस टू कौन डायरेक्शन हम ईस्ट डायरेक्शन हम। सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग नम्बर सीरीज पर दी है। ठीक है, मिसिंग फिगर ऊल लगे फ्रम द गिवेन ऑप्शन फिल द ब्लैंक स्पेस। सो कि दिया आसे 10 दिया आसे 16 दिया आसे 21 दिया आसे 25 दिया आसे। ठीक है, सो ऑप्शन टू कि हम करेक्ट आंसर मैं तो कह आसो करेक्ट आंसर हो जाए तुम लोगों दैट इज 28। नाउ क्यों 28 हम चुना भल्के दैट इज 10 पूरा 16 डिफरेंस कि 6 है राइट तार पास 16 पूरा 21 डिफरेंस कि 5 है राइट और चुआ इतना तुम लोग डिफरेंस तो कमी गई आस ना 10 16 डिफरेंस जो 6 है देन 16 21 डिफरेंस कि तुम 5 है तार पास 21 5 25 डिफरेंस कि 4 है दैट इज 6 5 4 आहिले तो 25 पीछे डिस्टेंस तो कि हम तुम लोग 3 हम अर्थात 3 एड हम माने ये एड हो बट डिक्रीजिंग अर्डर एड हो। ठीक है, तुम 10 6 एड हो 16 हल देन 16 5 एड हो 21 हल देन 21 4 एड हो तुम 25 हल इतना डिक्रीजिंग अर्डर गई आस 4 पीछे कि 3 तो 25 तुम लोग 3 प्लास कर दिया 3 प्लास कर आंसर तुम लोग 28 आई जा बुझा माने ये गोटे गोटे संख्या प्लास बट डिक्रीजिंग अर्डर। ठीक है, कमी गई आसे ना 6 5 5 4 4 3 आको जो एड है तेज 2 आ लाइक दिस कमी गई आसे डिक्रीजिंग अर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग अर्डर तुम लोग एड कर। क्वेश्चन नम्बर 3 करीम रैंक 16 फ्रम द टप इन ए क्लास अफ 49 स्टूडेंट्स। क्लास कटा स्टूडेंट आस 49 स्टूडेंट आस तारे भर करीम कि टपर पर मैं ऊपर पजिशन तर पजिशन कि 16 है। ठीक है, ऊपर पर कि पजिशन है 16 नाउ व्हाट इज द रैंक फ्रम द बॉटम। सो मन रखा इतना खुद से कि तलर पर मैं तलर पर करीम रैंक कि हम ऊपर पर जो 16 रैंक है तलर पर कि रैंक हम। सो अलवेज रिमेम्बर तुम लोग टप बटम क्वेश्चन आए ना ये टप बटम क्वेश्चन क्षेत्र तुम लोग जिमान नम्बर अफ स्टूडेंट आसे दैट इज टोटल नम्बर अफ स्टूडेंट कि 49 49
तुम लोग दैट इज टपर पर पजिशन कि सिक्सटीन सिक्सटीन पजिशन माइनास कर दिबा ठीक है माइनास कर पिछत तार प्लस वन कर दिबा अलवेज रिमेम्बर टप बटम पजिशन जो थे टोटल नम्बर अफ स्टूडेंटर पर ठीक है तुम्हार जार पजिशन दिया आसे दैट इज करीम पजिशन सिक्सटीन दिया आसे एक माइनास कर दिबा माइनास कर पिछत तार प्लस वन कर दिबा जैसे फोर्टी नाइन पर सिक्सटीन गुले थे तुम थार्टी थ्री थे राइट थार्टी थ्री थे सो थार्टी थ्री सरी थार्टी थ्री थे ये थार्टी थ्री प्लस वन करो एन्सार ही आस तुम लोग दैट इज थार्टी फोर अपशन थ्री उल द करेक्ट एन्सार लेफ्ट साइड राइट साइड पजिशन थे माइनास करूँ बट टप और बटम पजिशन थे मन रखा कि प्लस वन लगे ये फर्मुला है क्वेश्चन नम्बर फोर फोरत कि कैसे छजन मानु दैट इज सिक्स पार्सन कैन फिनीश वर्क इन सेवेन डेज सो ट्वेंटी वन पार्सन विल फिनीश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज सो ये कि कैसे छजन मानु मिली के तुम एट काम सत दिन फिनीश कर पे ठीक है सेवेन डेज फिनीश कर पे तो सेम काम तो जो मैं आम ट्वेंटी वन सरी फोर एक मानुक दिखने कराओ तेन्ते काम तो फिनीश कर टाइम लगे सो मन रखा एने क्वेश्चन थकिले छजने किम कम कर सत दिन मैंने छजने मिली के किमान दिन काम तो सत दिन तो तुम लोग टोटल वर्क उलाय लबा दैट इज टी डब्ल्यू उलबा कि कलो मैं टी डब्ल्यू अर्थात टोटल वर्क मुठ काम किमान दैट इज सिक्स इंटू सेवेन ठीक है तो किमान हो जाए मुठ वर्क तुम लोगों फोर्टी टू टोटल वर्क फोर्टी टू फोर्टी टूक तुम लोग किमान दिन माने एक मानु जो करते कि दिन लगे ना इतना नेक्स्ट जो आसे दैट इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन दिखने हरण कर दिबा ट्वेंटी वन दिखने हरण कर एन्सार आ जा कि अपशन फोर उल द करेक्ट एन्सार दैट इज दुई दिन लगे फर्मुला तो कि है मुठ वर्क दैट इज सिक्स पार्सन इंटु सेवेन डेज ठीक है सिक्स पार्सन मिली के सत दिन काम तो करे तो इतने मुठ काम कर फोर्टी टू और इतना नतुन मानुर संख्या काम कर मानुर संख्या कि ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन दिखने हरण कर दिबा ठीक है दैट इज आगर छजन मानु सत दिन काम तो करें तो सिक्स इंटू सेवेन हल और पिछले जी ऊलाले दैट इज फोर्टी टू सीट हम मुठ वर्क मुठ वर्क कि तुम लोग नतुन मानुर संख्या दिया आसे ना दिखने हरण कर दी लगे डिवाइड कर दी लगे और ये ट्वेंटी वन तो मैं क्यों हरण करलो रीजन बुझा छदिन मानु जो एट क्या सत दिन अफकोर्स ट्वेंटी वन मानु किज ट्वेंटी वन मानुजी जो काम तो जाए सीतर कि लगे कम टाइम लगे तो जो टाइम कम लगे तेज तुम लोग हरण कर बुझीसा बिकज सिक्स पार्सन जो सेवेन डेज सेवेन डेज काम तो ट्वेंटी वन मानु काम करते कि लगे सीतर कम समय लगे और कम समय कन्सेप्ट तुम लोग हरण कर सो आज लास्ट क्वेश्चन बट एट कोडिंग क्वेश्चन दी से ठीक है कोडिंग क्वेश्चन आसो तुम लोग बुझी ला कि कैसे इफ पे पेल इज रिकॉर्डेड एज टू वन थ्री फोर पेलक जो कोडेड कर टू वन थ्री फोर और आर्थक जो कोड कर फोर वन फाइव नाइन जिरो हाउ विल पर्ल बी कोडेड अर्थात पेलक जो तुम कोड कर टू वन थ्री फोर दिखे और आर्थक कोड कर फोर वन फाइव नाइन जिरो दिखे तेज तुम लोग पर्लर कोड तो क्या हम उलब लगे सो फार्ष्ट अफ अल यू तुम लोग पजिशन जान लगे लेटर पजिशन ये पीर पजिशन कि है टू है कि आज पीर पजिशन तो तुम लोग टू धर ला पीर पजिशन टू एर पजिशन किमान आर पजिशन आम लोग वन ठीक है दिया आस ना पी एर पजिशन दिया सरी वन दिया वन और एलर पजिशन किमान एलर पजिशन दिया तुम लोग थ्री ठीक है लगत इर पजिशन किमान इर पजिशन आते फोर तो एक पजिशन ये ऊल् ला सेम इतना आर्थर पर चुआ दैट इज आर्थर इर पजिशन किमान है ये प्रथम लेटर तो चुआ आर्थर ये फोर आस चाहिए सो फोर आ गल ठीक है देन इ एर पजिशन आको किमान आते इ एर पजिशन ये वन आसा मिली से वन टू लिखी ला ये देन आर आर पजिशन किमान नाइन आसे राइट किमान नाइन आसे और टिर पजिशन किमान टिर पजिशन आम लोग सरी आर पजिशन फाइव आसे ओके मिस्टेक हल मोर आर पजिशन फाइव आसे और टिर पजिशन तुम लोग किमान नाइन आसे ठीक है और एचर पजिशन किमान
एचर पजिशन आज तुम लोग जिरो। तो इतना तुम लोग इलवा पिर भेलू कि टू आसे सो आगे टू बहि जा देट इज यू चुना पर्ल भेलू पीई ठीक है इर भेलू कि फोर आसे तो टुर पद तो फोर आन ए आसे एर भेलू कि दूटा जगते वन आसे तो वन आते ठीक है टू फोर वन और भेलू कि फाइव आसे सो टू फोर वन फाइव आल और तुम एलर भेलू कि एलर भेलू दिया आसे निके एलर भेलू थ्री आसे सो यू हिसाब एन्सार कि हम टू फोर वन फाइव थ्री और ये कौन अपशन आट इज टू फोर वन फाइव थ्री अपशन नम्बर टूत आो टू उल कारेक्ट एन्सार बुझी पासा सो देट्स इट गाइज आज कारण भिडिओ समाप्त करूँ होप तुम लोग जल्दी मीट हम नतुन भिडिओत सो तुम लोग लर्न करा और आगत बढ़ा सो गाइज कीप वाचिंग कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद।